गुलढेर स्टेशन, रैपिड रेल का क्या स्पीड है गाजियाबाद की ग्रोथ की। सभी लोग अब यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं। इस मेरठ रोड पर बहुत सारे स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो जो ग्रोथ इस मेरठ रोड पर हो रही है वो कहीं पर भी पूरे गाजियाबाद में नहीं हो रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो NH 9 पर लेना चाहते हैं क्योंकि वो नोएडा सर्विस करते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि GPS से अपने ऑफिस का टाइम अगर वो कैलकुलेट करते हैं कि कितना दूर पड़ेगा गोविंदपुरम उनके ऑफिस से, या स्वर्ण जयंतीपुरम, या मधुबन बापू धाम, या फिर ये मेरठ रोड, तो वो ये देखेंगे कि टाइम उनको बहुत कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर्स हैं, ये रैपिड रेल जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी, फिलहाल सराय काले कहाँ तक जाएगी ये ट्रेन, तो अभी स्टार्ट हो चुकी है दुहाई से साहिबाबाद तक, और फिर जल्द ही वो स्टार्ट हो रही है मेरठ से, मेरठ से वो जाएगी सराय काले खां तक, और फिर और इस रैपिड रेल को जगह जगह गवर्नमेंट कनेक्ट कर रही है जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़ती जाए। और इसी मेरठ रोड से हमको मिलता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, तो अगर आप प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो इस मेरठ रोड के आसपास करें। शहर के आप किसी भी कोने में रहें लेकिन आपको आना होगा इस मेरठ रोड पर ही, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद DPSG एक पुराना स्कूल, गुरुकुल, परिवर्तन, DPS राजनगर, और जाने कितने बड़े बड़े स्कूल, तो जितना आपका घर से समय कम लगेगा, आपको दिल्ली जाना है तो आपको मेरठ रोड वाया जाना होगा, आपको मेरठ जाना है, आपको पंजाब जाना है, आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे जाना है, तो वाया इसी रोड से आपको जाना पड़ेगा या आपको अपने ऑफिस जाना है। तो अगर आपका रहने का स्थान मेरठ रोड के आसपास होगा तो आपका काफ़ी समय बचता है। ये मारुति का शोरूम है रीजेंट, जो कि खास मेरठ रोड पर है। अब ये देखिए ये अंदर का कंजस्टेड एरिया, तो जगह जगह गाजियाबाद में इसी तरीके से जाम रहता है अगर आप पुरानी कॉलोनियों में घर खरीदते हैं तो, इसीलिए लोग अब जा रहे हैं गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम की तरफ, क्योंकि वो सीधे कनेक्टेड है मेरठ रोड से। इसी तरीके से मधुबन बापू धाम भी सीधे मेरठ रोड से कनेक्टेड है। ये देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, और मेन शहर की भीड़ भाड़ से दूर लोग राजनगर एक्सटेंशन में भी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर मेट्रो स्टेशन है, सीधे आपसे वहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं हूं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इंजीनियर अक्षत अग्रवाल, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको मैं जगह जगह गाजियाबाद NCR और उसके आसपास की प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट दे सकूं। इस चैनल में हम कवर करते हैं क्रिकेट के बारे में, कहाँ क्रिकेट एकेडमी है, कहाँ अच्छा क्रिकेट आप सीख सकते हैं, या फिर बैडमिंटन एकेडमी, और तरह तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, जिससे कि नॉलेजेबल वीडियोज़ जिनको मैं बोलूँगा।